दोस्तों, आज से ठीक 9 महीने पहले हम सबके फेवरेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो अपनी कार से घूमने को निकले थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनका पीछा किया और गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर कैसे सिद्धू मूसेवाला ने स्ट्रगल करके इतना नाम और शोहरत कमाया था। अगर आप सिद्धू मूसेवाला को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में उन्हें RIP लिखकर उनके लिए प्रे कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सिद्धू मूसेवाले का रियल नेम शुभदीप सिंह सिद्धू है और निक नेम सिद्धू है। सिद्धू प्रोफेशन से सिंगर, रैपर, एक्टर एंड पॉलिटिशियन थे। सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 को मूसा मानसा पंजाब में हुआ था और 29 मई 2022 को इनके होम टाउन मानसा पंजाब में इनकी हत्या कर दी गई थी और इनकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। दोस्तों, सिद्धू 6 क्लास से ही हिप हॉप म्यूजिक सुनते थे और सीखते भी थे। सिद्धू ने अपने स्कूल की पढ़ाई उनके होम टाउन मूसा मानसा से की थी और कॉलेज की पढ़ाई गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से की थी, जहां से सिद्धू ने 2014 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन किया। और जब सिद्धू इंजीनियरिंग कर रहे थे तब पॉपुलर पंजाबी राइटर को गाने लिखने को कहा, पर तब उसने मना कर दिया था, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला खुद गाना लिखने लगे। और अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद 2016 में सिद्धू कनाडा चले गए, जहां पर उन्होंने गाने लिखे और पढ़ाई भी की। अब बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के कैरियर के बारे में। सिद्धू ने अपने कैरियर की शुरुआत एज अ राइटर की। इन्होंने 2016 में पंजाबी सिंगर निंजा के लिए लाइसेंस लिखा, जो वर्ल्ड वाइड हिट रहा, जिसके बाद सिद्धू अपना पहला गाना रिलीज किया जिसका नाम जी वगोन था, जो काफी हिट हुआ। और 2017 में सिद्धू ने सॉन्ग सो हाई रिलीज किया, जो वर्ल्ड वाइड हिट हुआ। इस सॉन्ग के बाद सिद्धू रुके नहीं और एक के बाद एक सॉन्ग लाते गए और इन्होंने सॉन्ग ईसा जट, टोकन, सेल्फ मेड, फैशन, फेमस और वार्निंग शॉट जैसे हिट गाने रिलीज किए। और 2019 में सिद्धू ने अपना रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट किया अपने ही नाम से, जिसमें इन्होंने कई सॉन्ग जैसे सोने लग दे और होमिसाइड रिलीज किया। और 2019 में ही सॉन्ग 47 आया, जो यूके सिंगल चार्ट के टॉप 20 में शामिल हुआ। और 2020 में सिद्धू ने प्रेम ढिलोन के साथ सॉन्ग ओल्ड स्कूल रिलीज किया और हर गाने के तरह यह गाना भी हिट हुआ। और फिर 2020 ही में सिद्धू ने अमृत मान के साथ कोलैबोरेट किया और सॉन्ग बम बिहार रिलीज किया और इस पर 24 घंटे के अंदर ही 10 मिलियन व्यूज आ गए थे। और जैसा कि सिद्धू एक एक्टर भी थे, सिद्धू ने 2021 में डेब्यू किया फिल्म मूसा जट से और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन किया। इसके बाद इसी साल इनकी दूसरी फिल्म यस आई एम स्टूडेंट रिलीज हुई और 2022 में इनकी फिल्म जट्टा दा मुंडा गांव लगिया आई। और 2022 में सिद्धू ने EP डिब्यूट किया जिसका नाम नो नेम था। इस EP में कुल 4 सॉन्ग थे और इस एल्बम ने बिलबोर्ड टॉप कनाडियन एल्बम में टॉप 24 पे जगह बनाई। और 2021 में सिद्धू ने पॉलिटिशियन पार्टी कांग्रेस में ज्वाइन हुए और MLA का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चलिए मिलवाते हैं आपको सिद्धू मूसेवाला की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है भोला सिंह सिद्धू और इनकी माँ का नाम है चरण कौर सिद्धू और इनका एक भाई भी है जिसका नाम है गुरप्रीत सिद्धू।
वहीं बात करें सिद्धू मूसेवाला के हाउस के बारे में तो दोस्तों सिद्धू का एक आरा सा घर मूसा मानसा पंजाब में है, जहां सिद्धू अपनी फैमिली के साथ रहते थे। वहीं बात करें सिद्धू मूसेवाला के कार कलेक्शन के बारे में तो इनके कार कलेक्शन में पहले नंबर पे थी मारुति सुजुकी जिप्सी जिसकी कीमत 8 लाख है, और दूसरे नंबर पे थी महिंद्रा थार जिसकी कीमत है 12 लाख रुपए, और तीसरी कार है महिंद्रा स्कॉर्पियो जिसकी कीमत है 16 लाख रुपए, और चौथी कार है इशुडू डी मैक्स वी जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए, और पांचवी कार है इनके पास पजीरो स्पोर्ट जिसकी कीमत है 30 लाख रुपए, और इनके पास फॉर्चूनर भी है जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। इसके अलावा सिद्धू के पास हैमर H2 वी थी जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है, और 8 कार है इनके पास फोर्ड मस्टंग GT जिसकी कीमत है लगभग 75 लाख रुपए, और इनके पास 2 रेंज रोवर भी थी जिसमें एक की कीमत है 2 करोड़ रुपए, और इनके पास मर्सिडीज की G-Wagon V थी जिसकी कीमत है 2.55 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के इनकम के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें सिद्धू एक सॉन्ग के 10 से 15 लाख चार्ज करते थे, और सिद्धू एक शो करने के 15 से 18 लाख चार्ज करते थे, और वहीं बात करें सिद्धू के नेटवर्थ की तो दोस्तों आपको बता दें कि 2022 के हिसाब से इनकी टोटल नेटवर्थ थी 30 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी सिद्धू मूसेवाला की लाइफस्टाइल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।